हेलो फ्रेंड्स, हाउ इज एवरीबडी डूइंग? वेल फ्रेंड्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ पेपर. सो आई थॉट वी हैव बीन स्टडीइंग फॉर सो लॉन्ग, सो लेट्स हैव वन क्लास स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग द प्रेजेंटेशन. होता क्या है दोस्तों, हम पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो 55 नंबर और 60 नंबर में, 75 नंबर और 80 नंबर में, या 90 नंबर या 95 नंबर में 5-10 नंबर की कमी जो रह जाती है, वो होती है प्रेजेंटेशन के कारण. सो ये जो मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं, दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, द पॉलिशिंग एस्पेक्ट. होता क्या है, जैसे आपने आजकल देखा कि सब मेहनत तो सभी करते हैं, अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आए हैं, मेहनत तो सबने करी, लेकिन जो विजय मिलनी है या सक्सेस मिलनी है वो एक इंसान को मिली. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द प्रेजेंटेशन इज गुड. आजकल के जमाने में आप लोग जब पहले शॉपिंग करने जाते थे तो एक छोटी छोटी दुकानों में शॉपिंग करते थे, और आजकल आप बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करते हो. क्यों नहीं जाते हो आप छोटी दुकानों में? आज छोटी दुकानें बल्कि सस्ता माल दे रही हैं. नहीं, हम तो बिग बाजार जाएंगे. क्यों जाएंगे बिग बाजार? एमआरपी पे चाहे वो चीज दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वो 5-10 मार्क्स जो होती है. ये प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट आप दूसरे थ्योरी के पेपर्स में भी यूज कर सकते हो. वैसे तो मैं लॉ को थ्योरी का पेपर मानता नहीं हूं, लॉ के अलावा कोई और थ्योरी का पेपर हो तो उसमें भी यूज कर सकते हो. यू कैन यूज दिस टेक्निक्स इन सीए फाइनल लॉ, यू कैन यूज दिस टेक्निक्स इन ऑडिट और एनी अदर पेपर इन विच यू वांट टू राइट थ्योरी. ऐसे लॉ को मैं दोबारा से बता दूं दोस्तों, मैं इसको थ्योरी का सब्जेक्ट तो नहीं मानता. सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको पेपर का जो हमारा पैटर्न है, पेपर का जो हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने एथिक्स के होंगे, कितने कम्युनिकेशन के होंगे, कितने उस टाइप की बातें हैं, तो आईपीसीसी लॉ की पेपर के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर इन आईपीसीसी लॉ पेपर. ये तो आपको पता ही होगा बच्चों, 100 नंबर का हमारा पेपर होता है, तो वो 100 नंबर के पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितनी उनके सब पार्ट्स होते हैं, ये थोड़ा मैं आपको गाइड कर देता हूं आज की क्लास में स्टार्टिंग में. आइए दोस्तों, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं आईपीसीसी लॉ आपका ये 100 नंबर का पेपर है, और इसके अंदर टोटल आपके होंगे 6 क्वेश्चंस. टोटल आपके अंदर इस क्वेश्चन पेपर में होंगे 6 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6. इनफैक्ट देर विल बी सेवन क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका कंपल्सरी, जो होगा 20 मार्क्स का. क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपल्सरी 20 नंबर का. भैया करना ही करना है, कोई चॉइस नहीं है. बाकी आपके क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शनल क्वेश्चन में से हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 टोटल हो गए भैया 6 क्वेश्चंस. अटेम्प्ट एनी 5. तो जो अच्छी बात वाली बात आ गई ना, वो है क्वेश्चन नंबर 2 से. ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो आपको मर्जी हो या ना हो अटेम्प्ट करना ही है. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 16 मार्क्स. डू एंड डू. तो अगर आप देखो जी, कितना का आपने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 20 एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं. 16 × 5 80, और ये हो गए जी आपके 100 नंबर.
तो पहला क्वेश्चन 20 नंबर का, बाकी 227 आपके 16 नंबर के। अच्छा जी, अब ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बाइफर्केशन है? क्या एक ही क्वेश्चन होगा इसमें, सिंगल क्वेश्चन 20 नंबर का? नहीं जी नहीं, टेंशन फ्री हो जाओ। पहला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होता तो है, लेकिन इसमें आपके सब पार्ट्स होंगे। सब पार्ट्स इस तरीके से हो सकते हैं, बिजनेस लॉ 10 नंबर और आपका कंपनी लॉ 10 नंबर। बिजनेस लॉ 10 नंबर और भैया कंपनी लॉ 10 नंबर, 10 मार्क्स का बिजनेस लॉ का क्वेश्चन। लेकिन वो फिर बात, क्या भैया बिजनेस लॉ में बोनस एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उनका एक ही क्वेश्चन 10 नंबर का? चांसेस हैं कि उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, 5 नंबर का एक बिजनेस लॉ का, 5 नंबर का दूसरा बिजनेस लॉ का। कंपनी लॉ का 5 नंबर का एक क्वेश्चन और एक 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, सो बाइफिकेशन उसमें भी होती है। तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का आ सकता है, लेकिन आता कम है, जनरली 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 5 एंड 5, 5 एंड 5। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 में 16 मार्क्स में आपके दे मेड बी 4 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन के 4 सब पार्ट्स, ए बी सी और डी। तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 के 4 सब पार्ट्स होंगे। ए पार्ट 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, तो टोटालिटी में बच्चों बन गया 16 नंबर। तो 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चंस। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है 4 और 4 वो 8 हो जाता है, कभी कभार वो 8 भी हो जाता है, एक क्वेश्चन 8 का बाकी 2 4 के। अच्छा जी, इसके अंदर 4 नंबर का आपका बिजनेस लॉ, 4 नंबर का कंपनी लॉ, 4 नंबर का एथिक्स और 4 नंबर का कम्युनिकेशन। बिजनेस लॉ, 4 नंबर का कंपनी लॉ, 4 नंबर का एथिक्स, 4 नंबर का कम्युनिकेशन। एक बार रफली मैं कैलकुलेट कर लूं एवरेज कैसे बैठेगी। बिजनेस लॉ 10 मार्क्स एंड 20-30, सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपके बाइफिकेशन बैठेगी। तो 4 नंबर का बिजनेस लॉ, 4 नंबर का कंपनी लॉ, 4 नंबर का एथिक्स, 4 नंबर का कम्युनिकेशन। अच्छा जी, अब क्या होता है कई के बार 8 नंबर का एक एथिक्स का क्वेश्चन आ सकता है इधर, या 8 नंबर का कम्युनिकेशन का क्वेश्चन हो सकता है। तो वैसे तो जनरली 4-4 नंबर के 2 आने चाहिए, कभी कभार 8 नंबर का एथिक्स का पूछ लिया और 8 नंबर का कम्युनिकेशन। अब टोटालिटी देखो दोस्तों, टोटालिटी 100 नंबर का बाइफिकेशन कैसे बनी। बिजनेस लॉ क्वेश्चन नंबर 1 में कितने नंबर का था? 10 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 कितने क्वेश्चंस हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसमें अटेम्प्ट करने 5, 4 into 5, 20, 30 मार्क्स। ऐसे कंपनी लॉ क्वेश्चन नंबर 1 में कितने का? 10 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 4-4 नंबर के 5, 20, कितना हो गया टोटल ये बच्चों? 30 मार्क्स। और रही बात एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, क्वेश्चन नंबर 1 में तो एथिक्स कम्युनिकेशन है ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 में 5 क्वेश्चंस हैं और 8 नंबर का ये हो गया 40 नंबर। तो बाइफिकेशन आपको समझ आई? एक बार दोबारा से रिकैप करवा दूं, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी जो अटेम्प्ट करना ही करना है 20 नंबर का, बिजनेस लॉ 10 का, कंपनी लॉ 10 का, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हर क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में बिजनेस लॉ 4 नंबर का, कंपनी लॉ 4 नंबर का, एथिक्स और कम्युनिकेशन 8 नंबर का। अब क्या होता है दोस्तों,
आठ नंबर का कभी एथिक्स का पूछ लिया या आठ नंबर का कम्युनिकेशन का पूछ लिया या चार चार कर लिया, तो ये आपका 100 नंबर का पेपर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्वेश्चन पेपर का ब्रेकअप पता हो। अच्छा जी, अब रही बात पेपर अटेम्प्ट कहां से करें, पेपर अटेम्प्ट कहां से करें। 15 मिनट का आपको रीडिंग टाइम मिलता है। वैसे आपके पेपर्स आईपीसीसी में 2 से 5 बजे तक होते हैं, पेपर्स आपके 2 से 5 बजे तक होते हैं। 15 मिनट का आपको रीडिंग टाइम मिलता है 1:45 से 2 बजे का। रीडिंग टाइम में आपको आंसर शीट्स नहीं मिलेंगी, प्रश्न पत्र या क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, उसको आप पढ़ने में लगाएंगे। लेकिन उस टाइम पर, उस 15 मिनट में आप ये देखेंगे कि हमें अटेम्प्ट पहले कौन सा क्वेश्चन करना है। विच क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड फर्स्ट, यू टेल मी, व्हाट डू यू थिंक, विच क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड फर्स्ट, यू पीपल टेल मी, ऑल द सेंटर्स, यू टेल मी अकॉर्डिंग टू यू। अटेम्प्ट तो वो करना है ना जो आता है, सीधी सी बात है। अगर कोई आता ही नहीं होगा तो फिर अटेम्प्ट क्या करेंगे। लेकिन फिर भी आपके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। सही कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 के बीच के पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इसमें चॉइस भी होती है। प्रैक्टिकल पेपर में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, प्रैक्टिकल पेपर से बात करें, ऐसा तो लॉ भी बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन जनरली अकाउंट्स का पेपर हो, है ना, या टैक्स का पेपर हो, वो क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा टफ देंगे ज्यादातर। कि बच्चे क्या होता है, पहला क्वेश्चन देखते हैं वो अटेम्प्ट करने लगते हैं और उसमें फंस जाते हैं। दोस्तों मैं तो खूब फंसा हूं क्वेश्चन नंबर 1 कर करके, एक एक घंटा लगा देता था, बाद में पता लगता था नहीं है डूब गई। लेकिन ऑब्वियसली अटेम्प्ट कम होता था लेकिन मार्क्स अच्छे आ जाते थे। सो कहने का मतलब क्या है, ट्राई नॉट टू अवॉइड क्वेश्चन नंबर 1, नॉट टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन अगर आपको पढ़ा और लग रहा है क्वेश्चन नंबर 1 तो आता है, क्यों छोड़े, तो कर लो। लेकिन अगर जहां से भी डाउट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो अटेम्प्ट मत करना। तो कुछ टिप्स होंगी, यू हैव टू राइट इट डाउन, क्योंकि हम समझ लेंगे घर जाएंगे हम भूल जाएंगे। तो आप टिप्स को 3-4 पेज भरवाऊंगा, राइट इट डाउन, टिप्स फॉर प्रेजेंटेशन, आई वुड लाइक टू राइट इट डाउन, टू जॉट इट डाउन, सो दैट दीज टिप्स रिमेन इन योर माइंड। समझते तो सब कुछ है, वही बात आ जाती है, लिखते नहीं है। सो पहली टिप है, स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन हुज ऑल सब पार्ट्स यू नो, स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन हुज ऑल सब पार्ट्स यू नो। क्या होता है कई बार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट आता है, बी आता है, सी आता है, डी नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3 का ए नहीं आता, बी आता है, सी आता है, डी आता है। पहला क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करो बच्चों जिसके सारे सब पार्ट्स आपको आते हैं। एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा किसके ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर। बोलेगा यार क्या बच्चा है, क्या तगड़ा बच्चा है, पहला क्वेश्चन कर रहा, चारों के चारों सब पार्ट चिट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन करो पहला जिसके चारों सब पार्ट्स आते हैं। अच्छा, क्या क्वेश्चन की सीरियल नंबर चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। मैंने बोला ना कि पहले आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो पूरा आता है। तो यू कैन चेंज द सीरियल नंबर, यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम 2, यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम 6, यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम 5, यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम 2। लेकिन बहुत अहम बात, वंस यू स्टार्ट द क्वेश्चन, ऑल द सब पार्ट्स ऑफ द सेम क्वेश्चन शुड बी डन टूगेदर, ऑल द सब पार्ट्स of the same question should be done together, and that too in the same sequence in which the question paper has given you. That means question number 2 ka A part, B part, C part, D part, ye same sequence mein aayega. Ye nahi hai pehle D kiya, fir B kiya, fir C kiya. Bada kharab hota hai dosto usse. Examiner ek mental setup se baitha hai ki pehla sub part mein ye hota hai, wo ethics pad raha hoga uske andar, next part mein wo business law pad raha hoga. To jis series mein sub parts aaye question ke, उसी सीरीज में आप अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन चेंज कर सकते, 2 की जगह 6 अटेम्प्ट कर लो, 6 की जगह 1 अटेम्प्ट कर लो, लेकिन सब पार्ट शुड बी डन टुगेदर इन द सेम सीक्वेंस। एक मेंटली एग्जामिनर जब चेक कर रहा होता है तो उसको आइडिया होता है ए का ये है, बी का ये है। तो लिखिएगा ऑल दी सब पार्ट्स, सेकेंड टिप, ऑल दी सब पार्ट्स of the same question
shall be attempted together. All the subparts of the same question shall be attempted together in the same sequence. All the subparts of the same question shall be attempted together in the same sequence. A, B, C, D, A, B, C. जो भी आपकी सीरीज है उसी में चलेगा, सब पार्ट्स इकट्ठे करने. समझ आई बात? कभी कभार बच्चों की बड़ी गंदी आदत होती है दोस्तों, बहुत गंदी आदत. क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट और फिर लिख दिया क्वेश्चन नंबर थ्री का बी पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर टू का सी पार्ट. दोस्तों खिचड़ी पक जाएगी. एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, एग्जामिनर को खुश रखना है. तो खुश रखने का एक ये भी होता है कि हम सिस्टमैटिकली अपने पेपर को अटेम्प्ट. समझ आ गई मेरी बात? चलिए दोस्तों नेक्स्ट. आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, अब पेपर में मार्जिन इंपॉर्टेंट है या नहीं. मार्जिन, मार्जिन, मार्जिन का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपकी आंसर शीट इस प्रकार है. इट्स लाइक जनरली मुझे अपना टाइम याद आ रहा है, वर्टिकल टाइप्स की होती हैं आपके शायद आंसर शीट्स. दोबारा अच्छा से बनाता हूं मैं, बढ़िया सी वर्टिकल. जहां तक मुझे याद आ रहा है इट्स वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? चौड़ाई ज्यादा होती है, लंबाई कम होती है. वर्टिकल में लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है. अब अगर मार्जिन आपका बना हुआ है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ड्रॉ करोगे मार्जिन तो आपकी तीसरी टिप आएगी. इफ मार्जिन इज नॉट देयर इन द आंसर शीट, इफ मार्जिन इज नॉट देयर इन द आंसर शीट, अगर है तो दोबारा क्यों ड्रॉ करोगे भैया? सीधी सी बात है ना, मार्जिन बना हुआ, सर ने कहा था मार्जिन बनाना है, तो भैया जो मार्जिन बना दो, एक मार्जिन और बना दिया, क्या पागल कोई है तो हम लोग? तो ऑब्वियसली अगर मार्जिन नहीं है जब तो मार्जिन बनाओगे. सो इफ मार्जिन इज नॉट देयर देन ड्रॉ मार्जिन, इफ मार्जिन इज नॉट देयर देन ड्रॉ मार्जिन. कहां पर? कहां ड्रॉ मार्जिन? राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे? लेफ्ट साइड पे. एक बच्चा कंफ्यूज हो गया, क्या सर आपने कहा था मार्जिन ड्रॉ कराओ, मैं तो कराया. मैं कहां कहां ड्रॉ करके आया? क्या सर चारों साइड्स कराया. मैं तो लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम सारा मार्जिन कराया. मैंने लिखे कहां आया? देख लो, सोचो क्या हुआ होगा. तो भैया हमें सजाना नहीं है, प्रेजेंटेशन करनी है. मैंने कहा बेटा तो इसमें फूल भी बना देते ना, थोड़े थोड़े से इंसान बना दे, गमले बना दे, है ना, यहां पर पहाड़ बना दे, यहां पर सूरज बना दे, थोड़ा सा सजा ले, और क्या दिक्कत है. सो ड्रॉ मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड, ड्रॉ मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड. मार्जिन से बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों, एक नीटनेस आती है. तो यहां पर आप क्या करेंगे, मार्जिन बनाया, ये तो मोटा मार्जिन बन गया, रुक जाओ ठीक करते हैं, ये मार्जिन हो गया. अब यहां पर लिख दिया क्वेश्चन नंबर वन, या आपने लिखा आंसर वन ए, ऐसे आंसर वर्ड लिखो, राइट दी वर्ड आंसर और फिर वन ए लिखो, वन ए. अब मैंने कहा अब वन ए. अच्छा ये जो मार्जिन है दोस्तों, ये पेन से बनाना या पेंसिल से, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पेन से या पेंसिल से बताइए. यू हैव टू ड्रॉ द मार्जिन विद दी हेल्प ऑफ अ पेन और पेंसिल. आपको डिफरेंस तो पता होगा ना बच्चा, पेन और पेंसिल क्या होता है. चलो ये तो पता ही है, बड़े बच्चे. पेन से बनाना है जी, दिल्ली सेंटर कह रहे हैं पेन से बनाना है, बाकी सेंटर्स. अच्छा जी, कोलकाता वाले कह रहे पेंसिल. भैया हम स्कूल छोड़ चुके हैं तो पेंसिल का साथ भी छूट गया है. पेंसिल इज नॉट टू बी यूज इन सीए एग्जाम्स. गलती से भी उठा के मत ले जाना, क्योंकि इस्तेमाल करना वर्जित है. तो पेंसिल को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना. यू डोंट हैव टू यूज द पेंसिल, यू विल यूज द पेन. हाँ कह रहे हैं काला पेन यूज कर ले. भैया मुंह काला करना कोई है? क्यों मुंह काला पेन यूज करेंगे? तो भैया नीला पेन, ब्लू पेन यूज करना है. ब्लू पेन, वी हैव टू यूज ब्लू पेन. एक बच्चा बोलता है सर ब्लू पेन या ब्लू कलर्ड पेन, बताओ जी. बच्चों के यहां तक क्वेरीज आती हैं, सर ब्लू पेन कहा, ब्लू कलर्ड पेन या ब्लू पेन.
मैंने कहा भाई इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है। तो ब्लू पेन का मतलब है नीली शाही वाला पेन। अब बच्चे ने फिर पूछा मुझसे, सर ब्लू पेन में बताओ बॉल पेन या पायलट पेन। यहां तक बच्चे लॉ के बच्चे हैं ना, बाल की खाल निकालने की आदत पड़ गई है, तो बताओ सर बॉल पेन ब्लू वाला या पायलट पेन ब्लू वाला। तो हाँ अब आप लोग भी पंगे लो, बोलते स्काई ब्लू या डार्क ब्लू। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया चल रहे हो। स्काई ब्लू या डार्क ब्लू? भैया नॉर्मल ब्लू, कोई स्काई ब्लू डार्क ब्लू नहीं होता। स्काई ब्लू कौन सा पेन आता है भैया? यूज अ नॉर्मल पेन विच इज ब्लू कलर। हाँ ब्लू में एक बोल्ड पेन आता है जनरली, रेनॉल्ड्स कंपनी का बोल्ड आता है, वो मत लिखना। बोल्ड पेन में क्या होता है, कहीं वो कभी खुशी कभी गम वाली बात, कहीं मोटा होता है कहीं पतला होता है। तो और बोल्ड ना हो और लाइट ना हो, ऐसा कलर यूज करो विच इज नाइदर बोल्ड नाइदर लाइट। ब्लू हो लेकिन ब्लू हो, समझ रहे हो मेरी बात? समझे मेरी बात? ब्लू हो लेकिन ब्लू हो, कभी इतना लाइट ब्लू होता है ना डार्क ब्लू, इट शुड बी प्रॉपर ब्लू। और पेन वो ही इस्तेमाल करो, चलो अब पेन की बात छिड़ी गई है तो पेन वो इस्तेमाल करो जो डे टू डे रिविजन में या डे टू डे लर्निंग में आप इस्तेमाल करते हो। तो पेन की ग्रिप बैठ जाती है, होता है ना दोस्तों एक पेन की ग्रिप बैठी हुई है, मुझे तो ये मार्कर की ग्रिप बैठी हुई है, इतना मोटा मार्कर होता है तो जब मैं अपना रियल पेन साइन करता हूं मुझे अजीब सा लगता है क्योंकि मेरे 24 घंटे में से 12 घंटे तो ये हाथ में होता है, तो ग्रिप बैठ जाती है दोस्तों। तो इसलिए वो पेन यूज इस्तेमाल करना एग्जाम में लिखने के लिए जिसमें घर में प्रैक्टिस करिए। और एक बात और, पेन की बात उठी गई है तो एकदम ताजा पेन मत लेके जाना एग्जाम में। सो पेन थोड़ा सा चला हुआ हो, वो नई नई गाड़ी खरीदते हो ना तो 150 किलोमीटर तक हल्के हल्के चलाते हैं, थोड़ा सा वो रमती है गाड़ी, तो इसलिए पेन भी वो इस्तेमाल करो जो थोड़ा सा चला रखा हो, एकदम ब्रांड न्यू नहीं। तो ब्लू पेन नाइदर डार्क नॉर द लाइट। बॉल पेन यूज करोगे, बॉल पेन, यस दोबारा रिपीट करता हूं, बॉल पेन ब्लू में भी बॉल पेन, बैट पेन नहीं बॉल पेन। कभी आप बोलो बैट पेन भी होता है कुछ, बॉल पेन यूज करना है। पायलट पेन से क्या होता है दोस्तों, आप लिखते हो ना तो पीछे उसका इम्प्रिंट आ जाता है, व्हेन यू राइट तो उसके पीछे उसका निशान आ जाते हैं, और कभी कभार सोचते सोचते आप मुंगेरी डाल के सपनों में खो जाओ, होता है ना कभी कभार लिख रहे हो सेक्शन 22 आप ऐसे ऐसे सोच रहे हो तो होता क्या, वो थोड़ा 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 ऐसे ऐसा 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 ब्लॉट पड़ने लग जाता है अगर आप सोचते रहो जाओ ज्यादा। तो इसलिए बेटर है अवॉइड यूजिंग अ पायलट पेन। ऐसा कुछ लिखा नहीं इंस्टीट्यूट की इंस्ट्रक्शंस में, लेकिन मेरा राय ये है यूज अ बॉल पेन। प्रैक्टिकल पेपर में कोलकाता वाले पूछ रहे हैं कि ड्राइंग के टाइम पर, अरे भाई प्रैक्टिकल पेपर में कौन सी ड्राइंग आएगी भैया, कोलकाता वाले बच्चों कौन सी ड्राइंग आएगी प्रैक्टिकल पेपर में? कोई ड्राइंग नहीं होती जी, फ्लो चार्ट होते हैं, फ्लो चार्ट पेन से बनाइएगा, फ्लो चार्ट होंगे या टेबल होगा, प्लीज मेक इट विद अ पेन। आपको ये वो चौथी क्लास के बच्चे नहीं है कि रबर और शार्पनर साथ में पेंसिल के लेके जाओगे। चलिए बच्चों, सो मार्जिन विद द हेल्प ऑफ अ पेन, यस नॉट अ पेंसिल, पहली बात। तो लिखिएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यूज अ ब्लू पेन, लिखो बाद में फिर पूछना मत, मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा। यूज अ ब्लू पेन, ब्रैकेट में बॉल पेन, पेंसिल्स नॉट अलाउड, पेंसिल्स नॉट अलाउड, पेंसिल्स आर नॉट अलाउड। अच्छा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग आप क्वेश्चन नंबर 1 से कर सकते हो या क्वेश्चन नंबर 2 से कर सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है। अब 2A का आंसर प्रेजेंट कैसे करना है वो तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, अभी मैं थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर दूं क्वेश्चन की, कंटेंट पे भी आऊंगा मैं थोड़ी देर में, आंसर का कंटेंट कैसा हो, अभी मैं आंसर की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अच्छा जी ए पार्ट हो गया खत्म, मान लीजिए यहां पर खत्म हो गया, ए पार्ट यहां पर खत्म हो गया, अब आपको स्टार्ट करना है 2B, 2B स्टार्ट करना है दोस्तों। बताइए दोस्तों अब क्या करें हम, अब 2B स्टार्ट करने के लिए आप क्या करोगे? मेरे राय तो ये रहेगी कि यू स्टार्टेड ऑन अ न्यू पेज, यू स्टार्ट 2B ऑन अ न्यू पेज। लेकिन कभी कभार हमें ये लगता है कि भैया आधा पेज रह गया, 2B ये दूसरे पेज पे लेके जाएंगे तो एग्जामिनर को लगेगा हमने आधा भरा हुआ है,
है ना। तो अगर आप ये देखो 70-80% पेज खत्म हो गया है तो 2B स्टार्ट मत करना, 70-80% पेज खत्म हो गया है तो 2A के बाद 2B उस पेज पर स्टार्ट नहीं करेगा, आंसर 2B नेक्स्ट पेज पे आएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं आधा पेज खाली छोड़ देंगे एग्जाम को लगे खाली छोड़ दिया, फिर आप क्या कर सकते हो, 2B स्टार्ट कर सकते हो, यहां पर तो आपका खत्म हो गया था। क्या करो, ड्रॉ अ लाइन, सेपरेशन की एक लाइन ड्रॉ करो, और बेटर रहेगा टू लाइन्स ड्रॉ कर दो सेपरेशन की, तो ड्रॉ टू लाइन्स फॉर सेपरेशन, और सेपरेशन की जगह आप बीच में इस टाइप से भी, प्रेफरेबल नहीं है कि ऐसे ये कांटे लगाए जाएं, कोई दोस्तों हम वायर फेंसिंग तो नहीं कर रहे हैं, फिर भी बेटर क्या रहेगा, जस्ट ड्रॉ टू लाइन्स इन बिटवीन टू शो द एग्जामिनर दैट द आंसर इज फिनिश। तो ड्रॉ टू लाइन्स आफ्टर एंड ऑफ ईच सब पार्ट। तो लिखिएगा दोस्तों, छोटी छोटी बातें होती है, प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है। या अगर लाइन ने ड्रॉ करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो एटलीस्ट 3-4 लाइन्स गैप। तो लिखिएगा आफ्टर एंड ऑफ ईच सब पार्ट, आफ्टर एंड ऑफ ईच सब पार्ट, आफ्टर एंड ऑफ ईच सब पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, आफ्टर एंड ऑफ ईच सब पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, आफ्टर एंड ऑफ ईच सब पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, लीव 3-4 लाइन्स गैप। बहुत पेपर्स मैंने चेक किए और सब में मेरी कॉमन फीडबैक ये रहती कि खिचड़ी पका देते हो आप आंसर्स की, 1A कब खत्म हुआ, B कब स्टार्ट हुआ पता ही नहीं चलता है, कितनी बार हुआ है 1A और 1B को कंबाइन करके मार्क्स दिए जाते हैं। तो भैया पर्याप्त मात्रा में डिस्टेंस रखोगे, गाड़ियां चलाते हो ना दोस्तों, तो बंपर से बंपर चिपका के मिलाते हो नहीं ना, थोड़ा सा गैप रखते हो, दैट इज द पॉइंट। किसी के साथ बैठते हो उसकी गोदी में कोई बैठते हो, अलग से बैठते हो, थोड़ा दूर डिस्टेंस बना के रखते हो, तो आंसर्स को अगर चिपका दोगे तो एग्जाम में लोगे कि एक ही आंसर है। सो लीव 3-4 लाइंस गैप, और ड्रॉ अ एंड लाइन, और ड्रॉ अ एंड लाइन, ड्रॉ अ एंड लाइन, ड्रॉ अ एंड लाइन। समझ आई मेरी बात? तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, याद रखना, मार्जिन बनाया, 3-4 लाइनें ड्रॉ करी, 3-4 लाइनें छोड़ी, या एक लाइन ड्रॉ करी, बी किया, सी किया और डी किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के आगे बी फिर लिखना है, तो यानी कि 2A 2B 2C 2D, तो बार बार आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखना, खाली बी लिख दिया ना, एग्जामिनर को हो सकता लगे कि आप क्या कर रहे हो, उसके सब पॉइंट्स बता रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 के, तो दोबारा से आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2B। और एक और पैटर्न बताऊं दोस्तों, आई कैन गिव यू 20 वेज ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर इन राइट मैनर, बट यू कैन डू वेज। यहां पर 3-4 लाइनें गैप छोड़ी है, उसमें लिख दो आंसर 2B, बीच में ऐसे, फिर आपका आंसर यहां पर आ गया। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन द लेफ्ट, यहां पर आपने लिखा आंसर 2A, आपका आंसर इधर आ गया। ये बॉक्सेस नहीं बनाने, आंसर 2A बीच में लिखा, आंसर 2B बीच में लिखा, तो गैप भी हो गया और वो भी मिल गया, और यू कैन राइट 2A 2B हेयर, याद रखना इस बात को। अच्छा, जितने आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको फ्रंट पेज पर भी टिक करने होते हैं, जो आपको आंसर शीट मिलेगी ना बच्चों, आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर लिखा होता है क्वेश्चंस नंबर अटेम्प्टेड, तो वहां पर भी टिक करना होता है। तो बेटर क्या रहेगा दोस्तों, आपने अटेम्प्ट किया है, हाथों हाथ उसको बाहर टिक कर दो, समझ लो मैं क्या कहना चाहता, बाहर बॉक्सेस बने हुए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, तो बाहर बॉक्सेस में टिक करने होते कौन कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। कभी कभार क्या होता है, एक बजे तक हम लिखते रह जाते हैं और बाद में आता था, अरे बाबा हमने बाहर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उनको टिक तो किया नहीं। तो वंस यू कंप्लीट अ क्वेश्चन, बाहर टिक हाथों हाथ कर दो, इट विल टेक हार्डली 5 सेकेंड्स। तो लास्ट मिनट जो टेंशन होती है, रश होता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, वो चीज गायब हो जाएगी। तो वंस यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बाहर फ्रंट पेज पे फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट टिक करना है, ठीक बात है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना है, रिमेंबर वन थिंग, दिस माइट बी इंटरप्रेटेड एज चीटिंग, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। हाँ, यू कैन टिक, दैट यू कैन डू,
स्टिल मैं तो बोलूंगा वो भी मत करो, लेकिन आप कुछ हल्का सा डॉट लगा सकते हो सो दैट यू कम टू नो विच क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड. तो यू कैन पुट अ टिक मार्क ऑन द क्वेश्चन पेपर, बट लीगली बोला जाए वो भी अलाउड नहीं है. यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, स्टिल आप कर सकते हो. क्वेश्चन पेपर पे आपको अपना रोल नंबर भी लिखना होता है, तो लिखिएगा राइट रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर. आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उस पर अपना रोल नंबर लिखना होता है, क्योंकि आगे पीछे वो चीटिंग ना के लिए घूम ना ले. राइट रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर, याद रखना, दोबारा बोल रहा हूं, ऑन द क्वेश्चन पेपर. आंसर शीट पर रोल नंबर मत लिख देना, आंसर शीट पे रोल नंबर नहीं आता. आंसर शीट पे एक डिटैचेबल फॉर्म लगा हुआ होता है, आंसर शीट पर एक डिटैचेबल फॉर्म लिखा होता है, उस पर अपना रोल नंबर लिखना होता है. इसका लॉजिक बताता हूं. आंसर शीट पे रोल नंबर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि चेकर, जो पेपर चेकर है या जो एग्जामिनर है, हम उसको एग्जैक्ट रोल नंबर इंस्टीट्यूट भेजना नहीं चाहता कि आपका कौन सा है. हो सकता है आपकी जान पहचान हो सारे एग्जामिनर से, तो आप फोन करके पूछ लो भाई मेरा रोल नंबर तुम्हारे पास आया है. तो एग्जामिनर के पास एक नकली रोल नंबर, एक डमी रोल नंबर बना के भेजी जाती है शीट्स. तो आपका जो रोल नंबर होगा वो आपको आंसर शीट के अंदर नहीं लिखना, आंसर शीट के ऊपर एक फ्लैप होगा, एक प्लेन पेज होगा कुछ टाइप का, उस पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है. तो नो वेयर इन द आंसर शीट द रोल नंबर हैज टू बी मेंशन. कभी अपना नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, 500 का नोट साथ में लगा दिया और लिखो अगर काफी नहीं है तो प्लीज कॉन्टेक्ट. भैया ऐसे काम मत करना, बाहर निकाल दे जाओगे सीए से, ऊपर से जेल की हवा भी हो सकती है अगर ऐसे कुछ काम उल्टे सीधे करोगे तो. तो अपना नाम पता फोन नंबर नॉट ऑन द आंसर शीट, नाइदर द रोल नंबर. सो क्वेश्चन पेपर रोल नंबर टू बी मेंशन ऑन द क्वेश्चन पेपर, फुल स्टॉप. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. ब्लू पेन की बात बताई, मार्जिन की बात बताई, आंसर्स की बात बताई, क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर सकते हो, पेपर का सीरियल नंबर, लेकिन ए बी सी डी चारों इकट्ठे होंगे. अब थोड़ी बात दोस्तों, मैं आपको कंटेंट ऑफ द आंसर की बात करें, कंटेंट ऑफ द आंसर, ये थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, कंटेंट में मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि पैराग्राफ प्रेजेंटेशन या पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन. पहला ऑप्शन आएगी पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन वर्सेस पैरावाइज. पॉइंट वाइज में 1, 2, 3, 4, 5 और पैराग्राफ में एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ. दोस्तों प्रेफरेबल है पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड, प्रेफरेबल. आई एम नॉट सेइंग यही करनी है, प्रेफरेबल इज पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन एज कम्पेयर टू पैरावाइज. क्योंकि पैराग्राफ में क्या करते हैं हम, घिचर बिचर करते हैं. आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ के अंदर एक पैराग्राफ यहां से स्टार्ट किया, यहां पर तो मार्जिन बना हुआ ही है, लीव टू लाइन्स अगर पैराग्राफ प्रेजेंटेशन है, फिर आप यहां से दोबारा से ऐसे स्टार्ट करो, फिर लीव टू लाइन्स और फिर ऐसे स्टार्ट करो. तो पैराग्राफ में ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए दोस्तों, पैराग्राफ के अंदर स्पेस होना चाहिए. और स्टार्ट पैराग्राफ फ्रॉम हेयर, यहां से मिडल ऑफ द लाइन स्टार्ट पैराग्राफ, स्टार्टिंग पॉइंट. सो पैराग्राफिक प्रेजेंटेशन में देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, तो बीच में एक दो लाइनें छोड़ी, इससे लेंथ भी बढ़ेगी आपकी. और स्टार्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ फ्रॉम 75% ऑफ द लाइन और 50% ऑफ द लाइन, डोंट स्टार्ट द पैराग्राफ फ्रॉम हेयर. तो थोड़ा सा हमें खुला खुला हवादार बनाना है, दैट इज द पॉइंट. जैसे वो शाहरुख खान का था लुंगी डांस. सो लुंगी इज अ वेरी कंफर्टेबल ड्रेस. तो हमारी लुंगी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थोड़ी, जिसके अंदर हमारी पैराग्राफ इस तरह से, प्रेफरेबल ये है. सो पॉइंट वाइज इज प्रेफरेबल, बट पैरावाइज इज ऑप्शनल. ये मतलब आप मर्जी है, आपका कंफर्टेबल इसमें तो ये भी कर सकते, मना ही नहीं है इसमें. सो पॉइंट वाइज वर्सेस पैरावाइज. दूसरी पॉइंट बच्चों का क्वेश्चन जो बार बार मुझसे पूछा जाता है,
दूसरा पॉइंट जो मुझसे बार बार पूछते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन इन एग्जाम्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कोटिंग सेक्शन इन एग्जाम्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंशनिंग सेक्शन इन एग्जाम्स, मेंशनिंग सेक्शंस इन एग्जाम्स, और एग्जाम्स में भी स्पेसिफिकली लॉ एग्जाम्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंशनिंग सेक्शंस। क्या आंसर में हमें सेक्शन मेंशन करने हैं? सर सेक्शन याद ही नहीं होते, सब कुछ याद होता है दोस्तों, लेकिन सेक्शन याद नहीं होते। मैं ये बोलूंगा सेक्शंस कोट करना इज लाइक आइसिंग ऑन द केक। यू ईट अ केक, देयर इज क्रीम ऑन द केक, देयर इज अ चेरी ऑन द केक, सो मेंशनिंग द सेक्शंस इज लाइक द चेरी ऑन द केक। द केक इज इनकम्प्लीट विदाउट द चेरी ऑन इट, है ना? लगता है यार कुछ कमी सी रह गई। That exactly is the point. The cake will taste good even without the cherry. If cherry is not there, the cake will taste equally good, but it will not look presentable. It will not look beautiful. That is the point. So sections agar mention kar diye, it overall gives a good impact on the answer. An examiner thinks, अरे बेटा क्या बेट क्या लड़का है, क्या लड़की है, क्या student है, क्या बढ़िया answer किया है उसने। So it gives a overall feel to it. Marks are not cut if you don't quote the sections. Marks are cut if you quote the wrong sections. दोबारा बोलूं दोस्तों, मैं English में बोला, समझना मेरी बात। Marks are not cut if you don't quote the sections. But marks are cut if you quote the wrong section. तो sections quote करना चाहिए, नहीं करोगे कम तो नहीं आएंगे, लेकिन गलत करोगे कम होंगे, लेकिन करने से मार्क्स बढ़ेंगे। जहां 5 में से 4 नंबर मिलने की आशंका है, इफ यू मेंशन दी सेक्शन द चांसेस आर यू मे गेट हाफ ए नंबर मोर एज इट लुक्स प्लीजिंग टू द आईज ऑफ द एग्जाम, दैट इज द पॉइंट। इफ यू मेंशन दी सेक्शन इट बिकम्स मोर ब्यूटिफुल, द पर्सन कंसर्न, द पेपर चेकर और द एग्जामिनर थिंक्स दैट द चाइल्ड हैज रिमेंबर्ड ऑल द सेक्शंस। सो लिखिएगा सेक्शंस, मेंशनिंग द सेक्शंस हेल्प्स टू स्कोर एक्स्ट्रा मार्क्स, मेंशनिंग द सेक्शन हेल्प्स टू स्कोर एक्स्ट्रा मार्क्स। But don't quote a section if you are not sure. Tashan ki zarurat nahi hai dosto. Don't quote a section if you are not sure. Don't quote a section if you are not sure. Tashan mein aake, fashion mein aake, भैया सेक्शन कोट करना है तो सर ने कहा था कोट करना है, कैसा भी हो कोट करके आएंगे, चाहे सही हो या गलत, कोट तो करना ही करना है, उससे इससे बड़ा बेवकूफी नहीं हो सकता। तो अब याद कैसे करें, ये बड़ी दिक्कत आती है दोस्तों। हर बच्चा मुझसे यही बोलता है सर सेक्शन याद नहीं होते। दोस्तों ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशन है, ये माननी पड़ेगी। वी कांट रिटेन एवरीथिंग, वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट कांट रिमेंबर एवरीथिंग। सो दोस्तों इंस्टेड लर्निंग 40 sections of every topic, try to learn 15 important sections. Instead of learning 40 sections of each and every topic or each and every act, try to learn 10 to 15 sections. What you can do is learn 10 to 15 sections of bonus, 10 to 15 sections of gratuity. Gratuity is totally 15 sections. वैसे तो employee provident fund, negotiable and company law and contract. Try to remember 15 sections of every law and make a list of those sections and that list should be with you. Achha, aapne list agar sare sections ki banayi bhi hai, nothing like it. So you should be having a list of the sections with you. Wo aapki ek
स्पाइरल नोट पैड छोटी सी बनाइएगा, मैंने क्लासेस में भी बताया हुआ है आपको बार बार, ट्राई टू रिमेम्बर इट एंड दैट नोट पैड कैन गो अलॉन्ग विद यू वेर एवर यू इन अ पार्टी और इन अ डेस्क। नाश्ते नाश्ते थक जाते हैं कई के बार दोस्तों, तो 5 मिनट ब्रीदर लेते हैं ना, तो 5 मिनट में आपने अपने डायरी खोली, हाँ 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 हाँ, फिर नाचना स्टार्ट कर दिया, घोड़ी के आगे नाच रहे हो दोस्तों, मुंह में नोट है, हैंकी है, 5 मिनट नाचे, 5 मिनट ठहरे, सेक्शन निकाला और रिवाइज कर लिया, खाना खा रहे हो दोस्तों, होता है ना, अभी स्वीडिश खाना है, 5 मिनट रेस्ट दे रहे हो स्टमक को, 5 मिनट सेक्शन की लिस्ट निकाली, रिवाइज कर लिया, लोग भी देखो कितना अकर्मण समझेंगे आपको, लोगों का क्या है, लोग तो कुछ कहेंगे, तो लोगों की बात छोड़ दो, आप अपना कहीं घूम, टॉयलेट में हो दोस्तों, यस इट विल टेक 10 मिनट्स, तो आपने सेक्शन खोला, रिवाइज कर लिया, तो माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है फालतू की चीजों से, तो 10 मिनट्स के लिए यू कैन ओपन योर डायरी एंड स्टार्ट रिवाइजिंग योर सेक्शंस। सही कह रहा हूं ना भैया मैं बात? चलिए, तो सेक्शंस कोट करने का फायदा है, आधा आधा नंबर, अगर 10 क्वेश्चन में आधा आधा नंबर मिल जाते हैं, 5 नंबर एक्स्ट्रा हो गए, गलत कोट करोगे बड़ा गंदा इंप्रेशन है। अच्छा, अगर सेक्शन नहीं आता है तो आप क्या लिखोगे? एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एज पर बोनस एक्ट, एज पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। तो आप एज पर, अच्छा एक बच्चा बोलता है सर ऐसा लिख दूं, एज पर एक्ट, सर दोस्तों एक थप्पड़ मारा मैंने उसको, ऑब्वियसली मजाक की बात कर रहा हूं, थप्पड़ तो मैं मारता नहीं हूं, बोलता है एज पर एक्ट, मैंने कहा तू ऐसे लिख देना एज पर लॉ, ऐसे बातें नहीं, तो एज पर एक्ट है, एज पर लॉ है, ये नहीं, एक्ट का नाम लिखो, तो लिखिए इफ सेक्शन इज नॉट बीइंग मेंशनड, क्योंकि आपको याद ही नहीं है या याद है कंफ्यूजन है, इफ सेक्शन इज नॉट बीइंग मेंशनड, इफ सेक्शन इज नॉट बीइंग मेंशनड, राइट एज पर प्रोविजन्स, राइट एज पर प्रोविजन्स ऑफ रेलेवेंट एक्ट, एज पर प्रोविजन्स ऑफ रेलेवेंट एक्ट, रेलेवेंट एक्ट का मतलब नाम बताओगे, यानी कि रेलेवेंट एक्ट लिखा होगा अभी। एक एक बात बता दूं भाई, आप लोगों को स्पून फीडिंग करनी पड़ती है, याद रहता नहीं है, कहीं सर ने कहा था सेक्शन याद नहीं हो तो रेलेवेंट एक्ट लिखाना, अरे भाई रेलेवेंट एक्ट का मतलब है प्रोविडेंट फंड एक्ट है, ग्रेच्युटी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, वो लिखो। अच्छा उसके आगे ईयर भी पक्का लिखना, हाँ छोटी छोटी, आज मैं माइक्रो मैनेजमेंट आपको बता रहा हूं पेपर की, तो अगर आपका बोनस एक्ट है एज पर प्रोविजंस ऑफ, पूरा नाम लिखो, दी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, नाम ऑफ द एक्ट फुल्ली, पूरा आपको एक्ट का नाम लिखना है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, नेम ऑफ द एक्ट हैज बीन टू बी गिवन फुल्ली, लिखिए ब्रैकेट में द नेम ऑफ द एक्ट, द नेम ऑफ द एक्ट इन फुल अलोंग विद ईयर, name of the act in full along with the year, जो year है, हाँ you can't remember the year, फिर आप payment of bonus act लिखेंगे, लेकिन better रहेगा, preferable रहेगा भैया, 5 act आपकी business में है, 1 आपकी companies act है, 6 act के year भी याद नहीं हो सकते, तो shame on you, कि सर year भी याद नहीं होते, फिर CA कर क्यों रही हो, छोड़ दो, भाग जाओ, फिर मत करो CA अगर आपको year भी याद नहीं होते, so try to remember the year also, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। अच्छा दोस्तों फिर एक क्वेश्चन आता है सर, बार बार अलग अलग सेक्शंस मेंशन करने पड़ते हैं, जैसे ऊपर आपका बोनस एक्ट का 10 सेक्शन आ गया, नीचे 11 आना है, तो फिर हम क्या करें, दोबारा लिख देना था पेमेंट ऑफ बोनस, फिर आप लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन, जैसे आपका ये तो, जैसे आपने यहां पर लिखा एज पर, यहां पर लिखा या एज पर सेक्शन, ऊपर लिखा था एज पर सेक्शन 10 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, अब दोबारा से सेक्शन मान लीजिए 11 लिखना है, तो नीचे आप क्या लिखोगे, एज पर सेक्शन 11 ऑफ द अबव एक्ट, फिर आप ऐसे लिख सकते हो, तो बार बार आपको वो एक्ट को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, वंस यू हैव मेंशन द नेम ऑफ द एक्ट डोंट यूज द एक्ट नेम अगेन,
सो ऑफ द अबव एक्ट या ऑफ द सेम एक्ट, ये देख सकते हो ऑफ द सेम एक्ट। सो जब बार बार आपको लिंक देना पड़े सेम। अच्छा भैया एक बात और, बोनस एक्ट क्वेश्चन नंबर 2 में था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी बोनस है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 के स्टार्टिंग में दोबारा लिखना पड़ेगा बोनस एक्ट, ये नहीं ऑफ द सेम एक्ट, लिंक सेम क्वेश्चन में रहेगा। सो वंस यू हैव मेंशन द नेम ऑफ द एक्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर और द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द आंसर एंड सब्सिक्वेंटली यू हैव टू मेंशन अनदर सेक्शन, देन यू राइट एज पर सेक्शन 11 ऑफ द अबव एक्ट और ऑफ द सेम एक्ट। दिस इज अबाउट सेक्शंस। दूसरी बात, तीसरी बात, बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केस लॉस। इंपॉर्टेंस ऑफ केस लॉस, दोस्तों वही केस लॉस भी आपकी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करते हैं। केस लॉस भी आपकी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करते हैं। हमने क्लासेस में बहुत सारे केस लॉस किए हैं, उसकी भी लिस्ट बना के रखिएगा। और एग्जाम में केस लॉ याद होता है, याद रखना चाहिए, उसको मेंशन कर देना चाहिए। हाँ अगर आपको ये नहीं पता लग रहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का है, जिसको याद करना मुझे लगता है इम्पॉसिबल है आपके लिए, कहीं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, कहीं हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, हाउ कैन यू रिमेम्बर वेदर इट इज अ हाई कोर्ट जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो ट्राई टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द केस और उसमें फिर आप मेंशन करोगे एज पर द जजमेंट इन द केस ऑफ, जैसे वो था वजीर चंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बोनस एक्ट में किया था ना कि रिफ्यूजल टू सरेंडर द ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आफ्टर सुपर एनुएशन इज अ ग्राउंड फॉर फीचर ऑफ, इनफैक्ट ग्रेच्युटी एक्ट में किया था, रियली सॉरी, कि रिफ्यूजल टू सरेंडर द रेजिडेंशियल क्वार्टर ऑफ द एम्प्लॉयर आफ्टर सुपर एनुएशन इज अ ग्राउंड फॉर फॉरफीचर ऑफ ग्रेच्युटी। सो वी कैन राइट एज पर द जजमेंट इन द केस ऑफ वजीर चंद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इट वॉज हेल्ड, इट वॉज हेल्ड, ऐसे करके ना, इट वॉज हेल्ड सो एंड सो एंड सो। सो अगर सुप्रीम कोर्ट याद रहता है तो एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, हाई कोर्ट याद रहता है एज पर द हाई कोर्ट जजमेंट, लेकिन विच आर डिफिकल्ट टू रिमेम्बर देन राइट एज पर द जजमेंट। लेकिन अगर जजमेंट याद नहीं है, इफ यू डोंट रिमेम्बर द जजमेंट यू रिमेम्बर द फैक्ट्स, फिर आप लिख सकते हो, फिर आप क्या लिखो, इफ यू डोंट रिमेम्बर द जजमेंट, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, सोने पर सुहागा है, केक के ऊपर चेरी है अगर आपको जजमेंट का नाम याद रहता है। लेकिन मेजोरिटी केस में होने ये वाला है कि आपको केसेस के फैक्ट याद रहेंगे, जजमेंट याद नहीं रहेंगी। उससे भी बचने के लिए मैंने बताया अलग से जजमेंट की लिस्ट बना लो, जिस तरह के सेक्शन की लिस्ट थी जजमेंट की लिस्ट भी बन जाएगी दोस्तों, और अपने साथ जजमेंट की लिस्ट कैरी करो। वही बताया जहां पर भी 10 मिनट खाली मिले एज पर वजीर चंद, एज पर ट्रेवन कोर, एज पर दिस, एज पर दैट रिवाइज करो दोस्तों। रिवाइज नहीं हो तो एग्जाम में ले जाओ, एग्जाम शुरू होने से पहले तक रखना, एग्जाम शुरू होने के बाद नहीं, फिर तो वो फर्रा बन जाएगा दोस्तों। सो इट अच्छा इफ यू रिमेम्बर द जजमेंट लाइक दिस रिमेम्बर, बट यू डोंट रिमेम्बर, है ना, डोंट रिमेम्बर, फिर हम लिखेंगे द कोर्ट्स हैज हेल्ड, द कोर्ट्स हैड हेल्ड दैट, और फिर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। द कोर्ट्स हैड हेल्ड या हैव हेल्ड, द कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट दी दिस एंड दिस की सुपर की रिफ्यूजल टू सरेंडर दी ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल क्वार्टर इज अ ग्राउंड फॉर फॉरफीचर ऑफ ग्रेच्युटी। सो कोर्ट्स हैव हेल्ड, फिर आप ये लिखिएगा, कुछ तो लिखेंगे क्योंकि जो आपकी जजमेंट है या तो वो सेक्शन वाइज होगी, है ना भैया, और सेक्शन याद नहीं रहता है तो ये है कोर्ट्स हैव हेल्ड, तो डोंट रिमेम्बर दैट द राइट द कोर्ट्स हैव हेल्ड, ठीक है। चलिए दिस इज अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ केस लॉस। नेक्स्ट वेरी कॉमन मिस्टेक वी डू इन द आंसर इज यूज ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स। दोस्तों हम आजकल की एसएमएस जनरेशन है, फेसबुक जनरेशन है, व्हाट्सएप जनरेशन है,
तो हमें शॉर्ट फॉर्म्स तो ऐसी आ गई हैं कि हमें इनफैक्ट स्पेलिंग्स नहीं आती हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स, शैल बी अवॉइडेड. शॉर्ट फॉर्म नहीं भैया, शॉर्ट फॉर्म्स. देखा आप लोग रह रहे के मेरा भी हाल ये हो गया. शॉर्ट फॉर्म्स क्या लिखते हैं, एम्प्लॉई इज एंटाइटल्ड टू बोनस, लिखते हैं ऐसे, एम्प्लॉई इज एंटाइटल्ड टू बोनस. ये क्या होता है भैया, ईई. क्या है ये शॉर्ट फॉर्म एम्प्लॉय की, ईई. नो भैया नो, आपको पूरा एम्प्लॉय की जगह ईई की जगह पूरा एम्प्लॉय वर्ड लिखना है. सो ईई नहीं लिखना, राइट एम्प्लॉय. कई कई बार बच्चे क्या करते हैं, एज पर सेक्शन 6 ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, ये लो जी 52. देखो जी हाथ घिस जाएंगे पूरा लिख दोगे तो. एज पर ईपीएफ एंड एमपीए एक्ट 1952, एग्जामिनर बोलेगा भाई ये तो कौन से सिलेबस की एक्ट है, ये तो हमारे आईपीसी के सिलेबस में ही नहीं है एक्ट. वो आपका आंसर ही काट देगा, बोलेगा ये कौन सी एक्ट आया, ईपीएफ एमपीए, ये तो उसको पता भी नहीं चलेगा. सो कहने का मतलब है, हाँ जैसे सेक्शन में लिखते हैं एज पर सेक्शन, देखो हाँ एक अच्छा, कुछ यूनिवर्सल शॉर्ट फॉर्म्स हैं, कुछ यूनिवर्सल शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे सेक्शन की शॉर्ट फॉर्म है एसईसी, ये थोड़ी अलाउड है. एज पर सेक्शन 6 लिख दिया आपने, इट कैन बी यूज्ड. यस यू आर राइट, आप लोगों ने सही पूछा. कुछ यूनिवर्सल शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, जैसे सेक्शन की जगह सेक्शन 6 की जगह, दीज आर अलाउड, लेकिन दिस इज नॉट अलाउड. सो अवॉइड टोटल शॉर्ट फॉर्म्स. घर में क्या होता है दोस्तों, आपको बताता हूं, जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत पड़ जाती है, और वही नुकसान हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है जब हम आंसर लिखते हैं. तो घर में भी जब प्रैक्टिस करो ना, अरे भाई हाथ घिस नहीं जाएगा, एक बार पूरा लिख लोगे. मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, ट्वेल्थ का, ट्वेल्थ में वो जनरल एंट्रीज होती थी, घर में बार बार प्रैक्टिस करते थे, जनरल एंट्री से कभी नैरेशन नहीं लिखता था, नैरेशन कभी नहीं लिखी दोस्तों घर में प्रैक्टिस करते नहीं. एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, जनरल एंट्रीज डालिए, नैरेशन लिखी नहीं दोस्तों, एक एंट्री का दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री, फिर याद आ रहा नैरेशन का है, फिर क्या किया बीच बीच में घुसाई, जगह ही नहीं होती है. इसलिए जैसी प्रैक्टिस घर में करते हो ना क्वेश्चन की, वैसे ही प्रैक्टिस या वैसे ही रिजल्ट आपके एग्जाम में आता है. जब घर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, पूरा नाम लिखो तो पूरा नाम एग्जाम में लिखोगे. सो ट्राई टू अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स. शॉर्ट फॉर्म शुड नॉट बी यूज्ड. चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं. ये सारे पॉइंट्स लिख लेना आप, ये आपके हमेशा आपके सीए फाइनल तक काम आएंगे. अच्छा जी नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट वर्सेस क्वालिटी, नहीं मैं बोलूंगा क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को आता है, सर थ्योरी है ना, जितना हो सके लंबा लिखो, जितना हो सके, जितने काले कागज करेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे. मैंने कहा ये बात सच्चाई से कोसों दूर है. इंपॉर्टेंट क्या है सीए के एग्जाम में, क्वांटिटी या क्वालिटी? क्वालिटी, क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट इन द एग्जाम. ये थ्योरी के पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों. आप क्या सोचते हो कि चार नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम एक पेज तो नहीं भराना, तो फायदा नहीं है दोस्तों. हो सकता है आंसर आधे पेज का ही हो सकता है आंसर चार लाइनों का ही हो, तो आप उसको खींचने की कोशिश ना करें. नो फालतू की स्मार्टनेस. क्या होता है, ऊपर थोड़ा लिखा, नीचे थोड़ा लिखा, बीच में थोड़ा लिखा, ना. तो हिट द नेल ऑन दी हेड वाली बात है, जितना हो सके आंसर टू द पॉइंट लिखें.
और प्रेजेंटेशन पॉइंट्स में करोगे तो ऑब्वियसली आंसर तो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। जब भी तो मैं बोल रहा था आपको कि हम अपने आंसर की चौड़ाई या लेंथ अपने प्रेजेंटेशन से बढ़ाएंगे रादर देन फालतू की बातें लिखने से। तो राइट रेलेवेंट आंसर्स, नो नीड फॉर हां जी देयर फॉर हैंस हैंस देयर फॉर हैंस देयर फॉर बार बार लिखते रह जाते हैं। देयर फॉर वी कैन से दिस, हैंस वी कैन से दिस, देयर फॉर वी कैन से दिस, हैंस वी कैन से दिस। बोले दिमाग खराब है कि एक ही बात तो चार बार लिख दिया। किसी से ज्यादा टाइम बोलो गुड बाय, बोला ठीक है, बोलो गुड बाय, ठीक है, और गुड बाय, बोलो ठीक है, और जाना यार क्यों पीछे पड़ा हुआ है मेरे, गुड बाय, ठीक है। कितनी बार करोगे गुड बाय? तो जो आप आंसर दे रहे हो बच्चों, इट शुड बी टू द पॉइंट, इट शुड बी रेलेवेंट, नो लेंथी आंसर्स टू बी गिवन। होते ही नहीं है इतने आंसर्स। चलिए जी, सो मैंने आपको क्वालिटी और क्वांटिटी की बात बताई। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है अंडरलाइनिंग की। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग क्या करनी है? अंडरलाइनिंग आपको करनी है सेक्शंस, जो आपने सेक्शंस कोट किए। अंडरलाइन करना है केस लॉस, अगर आपने केस लॉस कोट किए। अंडरलाइन करना है आपको अपना कंक्लूजन, लेकिन अंडरलाइन आप करोगे कीवर्ड्स, पूरी पूरी लाइन अंडरलाइन नहीं करोगे। अभी कल ही पेपर मैं चेक कर रहा था एक बच्चे का, उसने मान लीजिए कि ये आंसर है, सारी लाइन अंडरलाइन कर रखी है ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे। दोस्तों आटे में नमक अच्छा लगता है, ये क्या कर रखा है? अंडरलाइन की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। सो आप अंडरलाइन करोगे कीवर्ड्स, की सेक्शंस, अगर सेक्शंस नंबर, सेक्शंस नंबर जो कोट किए आपने, केस लॉज अंडरलाइन करोगे और कंक्लूजन अंडरलाइन करोगे, या आप बॉक्स में भी डाल के या टू अंडरलाइन कर सकते हो। तो सिंगल अंडरलाइनिंग भी हो सकती है, सिंगल अंडरलाइनिंग एंड डबल अंडरलाइनिंग, उससे भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे ये सिंगल अंडरलाइनिंग हो गई, ये आपकी डबल अंडरलाइनिंग हो गई। तीन चार लाइन से मत ड्रॉ करते फिरना। सो अंडरलाइनिंग इज टू बी यूज्ड एज आटे में नमक एंड नॉट नमक में आटा। अच्छा, लॉ में सक्सेस पाने के लिए 10 ईयर के क्वेश्चंस, 10 ईयर के क्वेश्चन का मतलब लास्ट 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस पक्का बढ़ के जाना। चांसेस होती हैं कि आधा पेपर तो आपका 10 इयर्स में से ही होगा, आधे से ज्यादा मैं बोलूंगा, 10 ईयर के क्वेश्चन बढ़ के जाना, आधे से ज्यादा पेपर आपके लास्ट के 10 इयर्स में से ही होता है, 10 अटेम्प्ट या 15 अटेम्प्ट के क्वेश्चन में से होता है। तो मेरी बुक में ऑब्वियसली लास्ट के 10 अटेम्प्ट क्वेश्चन भी हैं, आप उन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, उसी में से ही आपको आधा सा 50% 55% ऑफ द पेपर मिल जाएगा। सो पे अटेंशन टू 10 इयर्स। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है पे अटेंशन टू पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, पे अटेंशन टू पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। So you have to pay attention to last examination questions. So please pay attention to last examination questions. अब मैं आपको आंसर की क्वालिटी इंप्रूव करने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों, आंसर की क्वालिटी इंप्रूव करने का तरीका। आइए दोस्तों, अब मैं आपको क्वालिटी ऑफ आंसर कैसे अच्छी हो वो बता रहा हूं, क्वालिटी ऑफ आंसर। दोस्तों हमारा आईपीसीसी लॉ का जो पेपर है 100 नंबर का मैंने बताया, वो तो आपको पता भी है वैसे। अच्छा, ये थ्योरी का कितना है, प्रैक्टिकल का कितना है, केस स्टडीज का कितना है? दोस्तों ये पैटर्न चेंज होता रहता है कि थ्योरी कितनी होगी और केस स्टडीज कितनी होंगी। क्या होता था, वैसे तो केस स्टडीज ज्यादा आती थी पहले, लास्ट के 2-3 साल पहले की बात करें, जब तक तो पूरा पेपर ही केस स्टडीज का होता था, डेड थ्योरी का क्वेश्चन नहीं होते थे। लेकिन लास्ट के 1-2 अटेम्प्ट से पहले 3-4 अटेम्प्ट प्योर थ्योरी आए हैं, लेकिन लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट से दोबारा से मिक्स हो गया है।
So paper pattern is very unpredictable. It may be 100% case studies. It may be 100% theory. It may be 50% or 50%. Approximately average ke hisab se main bolunga case studies will be approximately 35% to 40%. Whereas it will be 65% to 60%. So theory approximately, dekho this is an average, 60-40 ka ratio mera average hai. Lekin it can change, it can be 50-50 also. It may be 30-70. Lekin on an average, this is on an average basis. This is on an average basis. So average basis ke anusar, aapki jet theory, ye theory mein aapko और बताऊं और डीप में जाएं बिजनेस लॉ थ्योरी प्लस केस स्टडी कंपनी लॉ थ्योरी प्लस केस स्टडी अभी बताऊंगा थ्योरी क्या है केस स्टडी क्या है एंड सी रिगार्डिंग एथिक्स एंड कम्युनिकेशन आई थिंक इट इज अ डेड थ्योरी उसमें 90% तो आपकी 90 क्या मैं तो अगर 6 क्वेश्चन उसमें 5 क्वेश्चन 90% थ्योरी ही है प्लस 10% केस स्टडी होगा एक आधा कोई केस बना के दे दिया तो आ गया लेकिन जनरली आपका 10% केस स्टडीज होता है 90% इज थ्योरी 10% इज केस स्टडी सो 60% अप्रोक्स इज द थ्योरी थ्योरेटिकल पोर्शन केस स्टडीज आर अप्रोक्स 40% और वो थ्योरी में आपके ट्रू एंड फॉल्स भी डिफरेंसेस भी वो भी आ जाते हैं तो अब इन क्वेश्चंस को चार हिस्सों में डिवाइड करूंगा दोस्तों मैं क्वेश्चंस को एक थ्योरी क्वेश्चन एक ट्रू एंड फॉल्स डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंग्विश और केस स्टडी तो आपका चौथा हो ही गया केस स्टडी तो बेसिकली चार टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे थियोरिटिकल क्वेश्चन डेड थ्योरी ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन ए एंड बी एंड केस स्टडी चौथा है केस स्टडी अब चारों के प्रेजेंटेशन के तरीके समझ लेते थ्योरी का केस आइए दोस्तों हेडिंग डालिएगा थ्योरी क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले रहा हूं उसी में आपको सिखाऊंगा कैसे आंसर करना है थ्योरी क्वेश्चन क्वेश्चन आया हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव या हु की जगह लिख देते हैं व्हेन इज एन एम्प्लॉय एंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस When is an employee entitled to receive bonus? Yeah, which employee is entitled to receive bonus? Which employee is entitled to receive bonus? And what is limit of maximum and minimum bonus? This is called a dead theory question. जिसमें कोई calculation नहीं है कोई आपको analysis नहीं करना है कि यह क्या है क्या नहीं है सिंपल सी बात है क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है पहला पार्ट है विच एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड रिसीव बोनस विच एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड रिसीव बोनस एम्प्लॉय अब आपको यहां पर दिमाग लगाना है आपसे पूछता हूं दोस्तों कौन कौन से सेक्शंस यहां पर लागू हो रहे हैं आपके हिसाब से बताइए दोस्तों आपके हिसाब से बोनस एक्ट के कौन कौन से सेक्शन यहां पर लागू हो रहे हैं यू टेल मी हाँ जी
एक तो 213 आ रहा है सेक्शन एम्प्लॉय की डेफिनेशन का और सेक्शन 8 आ रहा है एलिजिबिलिटी का। बिल्कुल सही दोस्तों, सेक्शन 2 क्लॉज 13 आ रहा है और सेक्शन 8 आ रहा है। अब प्रेजेंटेशन देखिएगा कैसे करेंगे इसकी। अब आंसर 1 है, ए पार्ट है मान लीजिए, हम यहां पर एक तो एम्प्लॉय की परिभाषा भी बता दें कि भैया उसकी सैलरी 10,000 तक होनी चाहिए काम कैसा भी हो। एग्जैक्ट डेफिनेशन याद जनरली याद कम रहेगी, तो हम क्या ले सकते हैं एज पर सेक्शन 2 है ना क्लॉज 13 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड एम्प्लॉय करिए दोस्तों इतने is a person other than apprentice employed on a salary or wage up to rupees 10,000 पर मंथ, अप टू रुपीज 10,000 पर मंथ ऑन एनी काइंड ऑफ वर्क ब्रैकेट में स्किल्ड मैनुअल सुपरवाइजरी एक्सेट्रा, ये आप ऑन हायर और रिवॉर्ड। सो आपने लिखा एज पर सेक्शन 213 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एन एम्प्लॉई इज अ पर्सन अदर देन अप्रेंटिस एम्प्लॉयड ऑन अ सैलरी और वेज अप टू 10,000 पर मंथ ऑन एनी काइंड ऑफ वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड। एक आधी पॉइंट्स आप डेफिनेशन के गायब कर सकते हो, ज्यादा नहीं, करेक्ट डेफिनेशन की वो रहनी चाहिए। जैसे इसमें एक लाइन और आती है वेदर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक आधी लाइन आप जिसका मतलब इसमें ज्यादा नहीं आएगा गायब कर सकते हो। अच्छा, अब क्या अंडरलाइन करोगे दोस्तों, देखिए अंडरलाइन करोगे ये लाइन एज पर सेक्शन 213, या इसको आप बॉक्स में भी डाल सकते हो, यू कैन पुट इन अ बॉक्स। सेक्शन 213 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एम्प्लॉई इज अ पर्सन, यहां पर अंडरलाइन कर सकते हैं एम्प्लॉय। अच्छा, दूसरा पार्ट पूछ रहा है इंटाइटल्ड बोनस एज पर, अब इसको कॉपी करिएगा दोबारा। अब मैं इसमें इंटाइटलमेंट की बात करूंगा, देखो इसमें कहीं हमने शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं किया, एक्ट का नाम पूरा लिया दी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, अंडरलाइन भी किया, यहां पर भी अंडरलाइन किया। अब आगे एज पर सेक्शन, अच्छा बड़ा अच्छा रहता आप क्या करो सबको पॉइंट्स में डाल देते, वो पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। अगर पॉइंट्स डालने में शर्म आती है तो पैराग्राफ बना लीजिएगा। दूसरा पैराग्राफ एज पर सेक्शन 8 ऑफ द सेम एक्ट एन एम्प्लॉय है ना, आपने लिखा एज पर सेक्शन 8 ऑफ द सेम एक्ट एन एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू बोनस फ्रॉम एम्प्लॉयर इफ ही हैज वर्क्ड फॉर
at least 30 working days in an accounting year. यहां पर accounting year define करने की जरूरत नहीं है. बच्चे क्या करते हैं, accounting year भी define करते हैं, working days भी define करते हैं. भैया question accounting year और working days की definition नहीं पूछ रहा, question पूछ रहा है entitlement को लेकर. तो ना इनको अंडरलाइन कर, अंडरलाइन क्या करना, सेक्शन 8. और यहां पर 30 वर्किंग डेज जो आपका मेन है, 30 वर्किंग डेज जो आपका मेन है वो अंडरलाइन करना है. तो आप इंटाइटलमेंट हो जाओगे बोनस के लिए सेक्शन 8 के मुताबिक, अगर आपने 30 वर्किंग दिन काम किया. दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट. अच्छा, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट को डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट पार्ट के ऊपर हेड लिख सकते थे, हेडिंग बनाकर एंटाइटलमेंट ऑफ बोनस, एंटाइटलमेंट ऑफ बोनस, ऐसे हेडिंग बना सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई इशू नहीं. मैंने सजेशन आंसर चेक किए हैं, वहां पर आप हेडिंग बना देते दोनों पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ से पहले लिखा और ये पैराग्राफ लिखा, एंटाइटलमेंट ऑफ बोनस, बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों. अच्छा, अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पूछ रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम बोनस. क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पूछ रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम बोनस. दोस्तों उसके लिए आपको सेक्शन 10 और सेक्शन 11 का साथ लेना पड़ेगा, सेक्शन 10 और सेक्शन 11. तो उसके हेडिंग डालिएगा सेक्शन 10 की, सेक्शन 10 की हेडिंग डालिएगा पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस सेक्शन 10, और फिर अपना आंसर हम स्टार्ट करेंगे. लिखिए, ये हेडिंग बना दीजिएगा, ये भी एक नया तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आंसर की हेडिंग. सेकेंड पार्ट मैक्सिमम बोनस, फिर यहां पर लिखिएगा हेडिंग बनाकर नीचे ही मैक्सिमम बोनस. पहले मिनिमम बोनस बात कर लेते हैं, मैक्सिमम लिखा है, चलो पहले मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बोनस बात कर. एज पर सेक्शन 11 ऑफ द अबव एक्ट, इफ अलॉकेबल सरप्लस एक्सीड्स मिनिमम बोनस अंडर सेक्शन 10, देन एम्प्लॉयर. अच्छा, सेम टू सेम लैंग्वेज एक्ट की याद करना कठिन है, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स. कुछ बिरला ही होंगे जो रट्टाफिकेशन मार के सेम टू सेम एक्ट याद कर लेते हैं. आप एक्ट को थोड़ा बहुत अपने लैंग्वेज में करिएगा, लेकिन मीनिंग सेम रहे. सो एज पर सेक्शन 11 ऑफ द सेम एक्ट, व्हेन अलॉकेबल सरप्लस एक्सीड्स मिनिमम बोनस अंडर सेक्शन 10, देन एम्प्लॉयर इन लियू ऑफ मिनिमम बोनस शैल पे In lieu of minimum bonus, shall pay such allocable surplus as bonus to employee subject to maximum of 20% of salary और वेज ऑफ एन एम्प्लॉय इन द अकाउंटिंग ईयर. फ्रेंड्स, यहां पर कीवर्ड्स हैं सेक्शन 11, और यहां पर एक कीवर्ड है सब्जेक्ट टू 20% मैक्सिमम और 20%. कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, अब एक्ट की बात आ गई, एक्ट का ए बड़ा ही लिखा है, अगर ये ऐसे ही आप मिनिमम बोनस लिख देंगे, हेडिंग पक्का बना सकते हो. गुड, अच्छा प्रेजेंटेशन है हेडिंग भी. अच्छा, यहां पर गलती हो गई हमसे, ई ई नहीं लिखना है ना, एम्प्लॉय लिखना है.
यहां पर भी हमने एम्प्लॉय लिख दिया। देखा होता है यही ना, हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं तो आपके सामने है, एग्जाम में भी शॉर्ट फॉर्म ही निकल के आ रही है। आई यूज अ शॉर्ट फॉर्म इन द क्लास एंड दैट इज अ रीजन शॉर्ट फॉर्म आ रही है। तो इसलिए आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्राई टू अवॉइड यूज ऑफ शॉर्ट फॉर्म इन द नोट्स। जब नोट्स भी बना रहे हो उसमें भी शॉर्ट फॉर्म मत लिखो। चलिए दोस्तों, उसके बाद मैक्सिमम बोनस के साथ एक पार्ट और रह गया हमारा, मिनिमम बोनस। और मिनिमम बोनस का सेक्शन है हमारा सेक्शन 10। और मिनिमम बोनस हम सेक्शन 10 में क्या लिखेंगे, लिखिए एज पर सेक्शन 10 ऑफ द अबव एक्ट एन एम्प्लॉयर इज बाउंड टू पे बोनस एट द रेट ऑफ 8.33% ऑफ सैलरी और वेज ऑफ एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। इनफैक्ट यहां पर एक बात और है, एवन सैलरी और वेज और रुपीज 100 विच एवर इज हायर ऑफ एन एम्प्लॉय और रुपीज 100 इधर आएगा और रुपीज 100 विच एवर इज हायर। इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज रुपीज 100 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय रुपीज 60। इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज रुपीज 100 शैल बी सब्स्टिट्यूट बाय रुपीज 60। और यहां पर अंडरलाइन कर देंगे सेक्शन 10 और 8.33% दैट इज द पॉइंट। समझ आ गई मेरी बात? तो थ्योरी का क्वेश्चन अब देखो दोस्तों, चार में से पूरे चार मिलेंगे अगर आप इस टाइप के कॉन्सेप्ट पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते थे। चार पैराग्राफ बनाई है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ये बेस्ट प्रेजेंटेशन रहती, 1, 2, 3, 4। अंडरलाइन भी सही है, शॉर्ट फॉर्म भी नहीं है, अब बैक भी यूज कर लिया, दैट्स इट। सो दिस इज अबाउट हाउ यू आंसर द थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों, समझ आई ना बात? दूसरा क्वेश्चन आएंगे, पहले ये कॉपी कर लो, ट्रू एंड फॉल्स के बाद। ये क्लास में भी मैं डिस्कस बहुत बार कर चुका हूं, फिर भी दोबारा से उसे डिस्कस करना मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। एथिक्स कम्युनिकेशन ट्रू फॉल्स ज्यादा आते हैं दोस्तों, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन में ट्रू एंड फॉल्स ज्यादा आते हैं। और ट्रू एंड फॉल्स किस टाइप से लिखे हुए होते हैं वो लैंग्वेज बता रहा हूं। ट्रू एंड फॉल्स लिखा होता है जी, मेंशन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स अलोंग विद रीजंस। यस दोस्तों, सबसे बड़ी गलती हो जाती है रीजन लिखते। बिजनेस एथिक्स, मैं एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन ले रहा हूं, बिजनेस एथिक्स आर नॉट यूजफुल इन द लॉन्ग रन। बिजनेस एथिक्स आर नॉट यूजफुल इन द लॉन्ग रन, एथिक्स के ऊपर आया क्वेश्चन, मेंशन ट्रू एंड फॉल्स अलॉन्ग विद रीजंस, बिजनेस एथिक्स आर नॉट यूजफुल इन द लॉन्ग रन।
बताओ बच्चों, क्या ये बेनिफिशियल है, क्या ये बेनिफिशियल नहीं, क्या ये ट्रू है, क्या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स, तो आंसर क्या लिखोगे? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन था, आंसर किस तरह प्रकार होगा। हाँ बिल्कुल, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स को बोल्ड में लिख दो, कैप्स में लिख दो, अच्छा रहेगा। द स्टेटमेंट इज फॉल्स, नीला पेन आ गया दोस्तों मेरा, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेकिन दोस्तों अलॉन्ग विद रीजन, इफ यू डोंट राइट द रीजन, अच्छा ट्रू एंड फॉल्स ज्यादातर एक या दो नंबर के होते हैं, एक या दो नंबर के, एक नंबर में दो से तीन लाइन और दो नंबर में चार से पांच लाइन पर्याप्त है, चार से पांच लाइन हो, पांच से छह लाइन हो, पांच से छह लाइन हो, दैट इज द पॉइंट। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब बताओ क्या लिखोगे, आप बताओ, आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू विद इन टू थ्री लाइन्स, एक नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा ऊपर करेक्ट और इनकोरेक्ट लिखा है तो आप नीचे भी करेक्ट और इनकोरेक्ट लिखोगे, ऊपर ट्रू एंड फॉल्स लिखा है तो ट्रू एंड फॉल्स लिखोगे, तो जो ऊपर भाषा है वही भाषा का उपयोग करना है, इधर जो ऊपर भाषा है वही भाषा का इधर उपयोग करना है, नहीं मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों, खाली ट्रू एंड फॉल्स लिखोगे, रीजन नहीं लिखोगे, जीरो मार्क्स। विद रीजन होगा देन द मार्क्स विल बी गिवन, ओनली मेंशन ट्रू एंड फॉल्स विल नॉट फेच यू एनी। हाँ कभी कभार ये लिखो था मेंशन ट्रू एंड फॉल्स, आगे रीजन नहीं लिखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रू एंड फॉल्स में। एक बार इनकम टैक्स में क्वेश्चन आया था आईबीसीसी में, दो या तीन अटेम्प्ट पहले, खाली कहता मेंशन ट्रू एंड फॉल्स, वहां पर ट्रू फॉल्स लिखना है, लॉ में भी आ सकता है, रीजन वर्ड नहीं लिखा वहां पर रीजन मत लेना, जरूरत ही पढ़ना, ये बड़ा केयरफुली पढ़ना, ट्रू एंड फॉल्स अलॉन्ग विद रीजन लिखा है, ये खाली लिखा है मेंशन ट्रू एंड फॉल्स, दैट इज द पॉइंट। तो नो मार्क्स इफ रीजन आर टू बी स्पेसिफाइड, आप लिख के बताइए व्हाट इज द रीजन इन टू टू थ्री लाइन, एक नंबर का क्वेश्चन आया ये मान लीजिए एक नंबर का, बताइए दोस्तों आपसे आंसर, आप लिखकर भेजो मुझे, दो से तीन लाइनों में, बिजनेस एथिक्स आर नॉट बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन, आर नॉट यूजफुल इन द लॉन्ग रन। बताइए दोस्तों, देखो जी आपने भी एक आंसर भेजा है, फॉलोइंग बिजनेस एथिक्स इट इज एबल टू मेंटेन गुडविल एंड ब्रांड इमेज फॉर लॉन्ग टाइम। देखिए इसका आंसर देखिए, इनडायरेक्टली एडवांटेजेस पूछ रहा है, लिखिए इफ अ बिजनेस इज फॉलोइंग ethics then it is able to increase its brand image and goodwill। which leads to increase in turnover and profitability, which leads to increase in turnover and profitability. The business is following ethics, then it is able to increase its brand image and goodwill, which leads to increase in turnover and profitability. जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड रहेंगे, इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी लीड्स टू स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन,
increase in profitability leads to stakeholder satisfaction. Increase in profitability leads to stakeholder satisfaction. जो हमारे stakeholders हैं, कौन से stakeholders होते हैं बच्चों? Creditors, debtors, bankers, lenders, employees. दोस्तों मिस्टर सब खुश हैं, तो फिर साथ भी सबका समेशा के लिए रहेगा. That is the point. So increase the profit leads to increase stakeholder. This helps the business to run efficiently and effectively in the long run. देखा आंसर में फर्क आया ना, अपने सोच में और मेरी सोच में. Therefore we can say, देखो काटना चाहो काट सकते हो, बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो. Therefore नीचे लिख रहा हूं, therefore business ethics are useful. Therefore following business ethics is useful in long run. ठीक है, तो इस टाइप से आपको आंसर करना है. बिजनेस इज फॉलोइंग एथिक्स, देन इट इज एबल टू इंक्रीज द ब्रांड इमेज एंड गुडविल, विच लीड्स टू इंक्रीज इन टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी. इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी लीड्स टू स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन. दिस हेल्प्स द बिजनेस टू रन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इन द लॉन्ग रन. ये भी लिख सकते हैं, दिस हेल्प्स इन बिजनेस टू गैदर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स. वो भी लिख सकते थे स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन या कोऑपरेशन स्टेक होल्डर्स, विच कंटिन्यू टू हेल्प द बिजनेस इन प्रोवाइडिंग फाइनेंस एंड देयर सपोर्ट. गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर एंड द बिजनेस कैन बी रन इन द लॉन्ग रन. समझ आई मेरी बात? तो इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन दोस्तों. चलिए ये आपका ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन हुआ, मैंने बताया. इसको पॉइंट्स में भी डाल सकते थे, यू कैन पुट इन द पॉइंट्स 1, 2, 3. यस, इंस्टेड ऑफ अ पैराग्राफ यू कैन जॉट इन द पॉइंट्स ऑल्सो. पॉइंट ए बी सी डी एडवांटेजेस डाल सकते थे उसको पॉइंट ए में, है ना. इंक्रीज गुडविल, दूसरा दो तीन लाइनों में, ज्यादा नहीं. एक नंबर क्वेश्चन है, तीन से चार लाइनों में, यानी कि उसका पूरा चार नंबर क्वेश्चन बना दिया. चलिए दोस्तों नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन बताए. डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों. डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन. कॉपी करिए करते आइए दोस्तों. एग्जाम्पल लेते हैं, कॉमन एग्जाम्पल है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ चेक एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज. चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये क्वेश्चन आया. डिस्टिंग्विश बिटवीन चेक एंड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कॉमन एग्जाम्पल है दोस्तों ये डिस्टिंग्विश के. ये होते हैं एक दूसरे में कंपेरिजन करना है. अच्छा दोस्तों मैं ये बोलूंगा कि आप टी शेप डिस्टिंग्विश करना अवॉइड कीजिएगा. वो जो लाइन वाला डिस्टिंग्विश है ना, वो स्कूलों में अच्छा लगता है कि आपने यहां पर लिख दिया चेक और यहां पर लिख दिया आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आई वुड लाइक यू टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन अ डिस्टिंग्विश टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. रादर हैव अ पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन, रादर हैव अ पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन. पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन में वो मैं बता रहा हूं, पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन. डिस्टिंग्विश आंसर में हैव अ पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन, पॉइंट वाइज along with heading also. कैसे? देखिए आप पहला लिखेंगे सेक्शन, जो डिफरेंसेस है ना, आप पॉइंट नंबर वन बनाया आपने सेक्शन, तो जहां पर भी सेक्शन याद रहेंगे तो सेक्शन में तो क्या लिखोगे? सेक्शन कौन सा है दोस्तों? अगर आपको याद हो तो जो चेक का सेक्शन है वो है आपका सिक्स,
और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है 5। तो क्या लिखते हो, अ चेक इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, वेयर एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द सेम एक्ट। तो यहां पर सेक्शन 6 को अंडरलाइन किया, यहां पर सेक्शन 5 को अंडरलाइन किया। सो चेक इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, वेयर एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द सेम एक्ट। दूसरा सेक्शन के साथ दूसरा डिफरेंस आप बना देना डेफिनेशन, दूसरा डिफरेंस आपने बना दिया डेफिनेशन। तो मैं आपको जनरल पॉइंट्स बता रहा हूं, बाकी कंटेंट तो आपको पता ही है, लेकिन मेरा मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन पे जोर लगाना, आंसर पे जोर नहीं है मेरा, मेरा जोर है प्रेजेंटेशन पे। सो दूसरा आपका बन जाएगा डेफिनेशन, आपने अ चेक मींस अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसे करके है ना, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर पेबल ऑन डिमांड includes trunk electronic image of a truncated check and includes a e-check, इस तरीके से आपने कर दिया। और फिर a bills of exchange is a वो रिटर order, उस टाइप से आपने उसको बना दिया, bills of exchange instrument writing containing unconditional order समथिंग लाइक दैट आपने स्टार्ट किया। अच्छा, एक तो सेक्शन का डिफरेंस हमेशा याद रखना, एक डेफिनेशन का, तीसरा एक डिफरेंस जो लास्ट डिफरेंस आप बनाना, बाकी तो डिफरेंस बहुत सारे बनेंगे इसके, उस पर नहीं आ रहा मैं आपको कॉमन डिफरेंस लास्ट आएगा एग्जाम्पल, तो एक आप एग्जाम्पल का डिफरेंस पक्का बनाना। तो ये तीन पॉइंट्स तो हमेशा डिफरेंस के आपके बनी जाएंगे, बीच में दो तीन आपको और मिल जाएं, जैसे चेक को क्रॉसिंग होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रॉसिंग नहीं होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर आपको स्टैंपिंग करनी पड़ती है, चेक पे स्टैंपिंग नहीं करनी पड़ती है, जो डिफरेंसेस हैं वो तो खूब बनेंगे, लेकिन द मुद्दा ही तीन टाइप के डिफरेंस तो हमेशा बनते हैं, एक तो सेक्शन, अगर सेक्शन याद हो, दूसरा डेफिनेशन उसकी परिभाषा, और तीसरा एग्जांपल लास्ट में बना दीजिएगा, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू सी। समझ आई मेरी बात? तो तीन एग्जांपल्स तो हमेशा आपके बन जाएंगे, सेक्शन डेफिनेशन एग्जांपल, बाकी जो डिफरेंसेस आपको पता है आप बनाइएगा। चार नंबर के क्वेश्चन में याद रखना मिनिमम चार पॉइंट ऑफ डिफरेंस, चार नंबर का क्वेश्चन है, मिनिमम चार डिफरेंसेस तो दोगे, मिनिमम छह सात तो बढ़िया, आठ नंबर का डिफरेंस का क्वेश्चन है तो मिनिमम सात से आठ डिफरेंसेस तो आपको देने ही पड़ेंगे, मतलब अगर नहीं बनते तो सात आठ तो चार पांच दे दो, कोई ऐसा नहीं कि सात आठ जबरदस्ती बनाएंगे, लेकिन बेटर रहेगा कि डिफरेंसेस जितने ज्यादा बने बड़े क्वेश्चन में ज्यादा हो, क्योंकि उसमें आप छोड़ नहीं सकते, आठ नंबर के क्वेश्चन में कोई एक डिफरेंस छोड़ नहीं सकते, चार नंबर में एक आधा गायब कर सकते हो, इतने ज्यादा कोई वाली बात नहीं है। सो तीन डिफरेंसेस मैंने आपको कॉमन बताया, एक सेक्शन का, एक आपका क्या बन गया डेफिनेशन का, एक एग्जांपल का, बाकी जो डिफरेंसेज आपके होते ही है वो मैंने आपको क्लास में बताए हुए हैं, उसको तो मैं डीप में नहीं जाऊंगा। चौथा टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो प्रेजेंटेशन समझ आई, पॉइंट वाइज टी शेप वाली नहीं, टी शेप नहीं, और यहां पर लीव अ लाइन, एक हर डिफरेंस के बीच में लीव गैप, डिफरेंस के बीच में लीव गैप। अच्छा, बेटर रहेगा कि सेक्शन लिखा उसके नीचे गैप छोड़ दो, डेफिनेशन लिखा उसके नीचे गैप छोड़ दो, जैसे आपका मैं बताऊं ये आपका मार्जिन है ना, ये आपका मार्जिन बना हुआ है, मार्जिन में पॉइंट्स लिखे हुए ऐसे, तो बेटर क्या रहेगा, यहां पर लिखा यहां पर कुछ मत लिखो, यहां से यहां तक ही लिखो, डेफिनेशन में यहां से यहां तक ही लिखो, सो लीव दिस ब्लैंक, दिस शुड बी ब्लैंक। अच्छा, अच्छी प्रेजेंटेशन बनती है इससे, दिस शुड बी ब्लैंक, दिस शुड बी ब्लैंक, दिस शुड बी ब्लैंक, यहां से आगे से यहां से स्टार्ट किया,
या इंटरनल एक लाइन और बना ली आपने, इंटरनल एक लाइन और बना ली आपने यहां पर ना, एक तो मार्जिन की एक ये बना ली और फिर ऐसे कर। चलिए दोस्तों, अब आपकी केस स्टडी का क्वेश्चन आता है दोस्तों। केस स्टडी ये भी मैं आपको क्लास में बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। केस स्टडी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और उस एग्जाम्पल में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका आंसर क्या है, क्या किसी की जीत है किसी की हार है, क्या गलत है क्या सही है, क्या गलत है क्या सही है, है ना। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। केस स्टडी क्या है देखते हैं दोस्तों। मिस्टर ए इज मिस्टर ए हैज drawn a bills of exchange on Mr. B in favor of Mr. C. Mr. A has drawn a bills of exchange on Mr. B in favor of Mr. C. इंडेमनिटी का कोई क्वेश्चन लूं, चलो इसके बाद ले लेता हूं दोस्तों, इसके बाद आप लोगों की मैं क्वेरी ले लेता हूं कि इंडेमनिटी का कोई क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। सो मिस्टर ए हैज ड्रॉन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन बी इन फेवर ऑफ मिस्टर सी, मिस्टर सी हैज इंडोर्स्ड द इंस्ट्रूमेंट या इंडोर्स द बिल टू मिस्टर डी and Mr. D has endorsed the instrument to Mr. E. On the due date of payment, the bill is dishonored by Mr. B. State the rights of Mr. E as per the negotiable instruments एक्ट 1881। ये होता है केस स्टडी दोस्तों। ए हैज ड्रॉन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन बी इन फेवर ऑफ सी, सी हैज एंडोर्स द बिल टू डी, डी हैज एंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट टू मिस्टर ई ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट द बिल इज डिसऑनर्ड बाय मिस्टर बी, स्टेट द राइट्स ऑफ मिस्टर ई एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। करिए दोस्तों, I want the answer from your side now. Presentation part मैं आपको बताऊंगा, but I need the answer from you first. I need the answer from you. I want all the centers should be replying to me by telling me the right answer. What are the rights of Mr. E? You have to tell me the rights of Mr. E. E के पास क्या rights है? A has drawn a bills of exchange on Mr. B in favor of Mr. C. C has endorsed the bill to Mr. D. D has endorsed the instrument to E. On the due date of the payment, the bill is dishonored by Mr. B. State the rights of Mr. E as per Negotiable Instrument Act 1881. बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा कि जो हमारे ई साहब हैं उनके पास पूरी राइट्स हैं, लेकिन दोस्तों वो प्रेजेंटेशन में आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, आपको यहां पर ई को बोलना पड़ेगा कि ई जो है
होल्डर इन ड्यू कोर्स है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। और सेक्शन 36 के हिसाब से द होल्डर इन ड्यू कोर्स हैज द राइट टू सू ऑल द प्रायर पार्टीज। तो प्रेजेंटेशन देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर तो हमें पता होता है, लेकिन मेरा मुद्दा आज का प्रेजेंटेशन पे आइए दोस्तों। इस केस स्टडी के आंसर को दोस्तों यू आर गोइंग टू डिवाइड इन थ्री पार्ट्स। केस स्टडी के आंसर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करिएगा। सो डिवाइड दी केस स्टडी इन थ्री पार्ट्स। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट कैलकुलेशन और तीसरा पार्ट कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप मेंशन करोगे सेक्शन की थ्योरी, कैलकुलेशन पार्ट में थ्योरी की रेलेवेंस या सेक्शन रेलेवेंस टू एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल आया उसमें वो सेक्शन रेलेवेंट कैसे है, और कंक्लूजन में वेदर सेक्शन इज फॉलोड और नॉट फॉलोड, सेक्शन फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन इन थ्री पार्ट्स। हम ये लिखेंगे ई कैन रिकवर फ्रॉम ऑल द बॉडी, ई के बारे में पूछा गया है तो हम डी के बारे में या बी के बारे में या सी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ही हैज अ राइट टू रिकवर फ्रॉम ऑल द प्रायर पार्टीज। अब आंसर देखिए दोस्तों, ये आपका आंसर शीट है, यहां पर मार्जिन बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर वन मान लीजिए ये बी पार्ट है, तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, एज पर सेक्शन 9 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, एज पर सेक्शन 9 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, सेक्शन 9 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ होल्डर फॉर कंसिडरेशन, इज अ होल्डर फॉर कंसिडरेशन हु हैज एक्वायर्ड द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ बिफोर मेच्योरिटी एंड विदाउट नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। एज पर सेक्शन 36 ऑफ द सेम एक्ट, अ होल्डर इन ड्यू कोर्स हैज द राइट टू रिकवर अमाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट From all the prior parties to the instrument, this is the first part. ये हम लिखेंगे नहीं introduction, introduction हमारे mind में है, ये नहीं कि यहां पर introduction word लिख दिया। अब इसमें आपने underline कर दिया section 9, holder in due course, और यहां पर section 36, और यहां पर prior parties, this is the theoretical part. As per section 9 of the Negotiable Instruments Act, as per section 9 of the Negotiable Instruments Act, a holder in due course is a holder for consideration who has acquired the instrument in good faith
who has acquired the instrument in good faith. Before maturity and without knowledge of the existence of defect in the title of the transferor. This is the language you can modify if you want. The meaning should remain the same. Try to remember the same language. Lekin I know you can't remember the same language. Isliye try to write in your own language provided the meaning remains the same. Next, 36 of the same act. Holder in due course has the right to recover the amount of the instrument from all the prior parties to the instrument. चलिए दोस्तों कॉपी कीजिएगा. नेक्स्ट है ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट आपका कैलकुलेशन पार्ट. कैलकुलेशन पार्ट में आप नीचे स्टार्ट करेंगे. इतने मैं रब कर रहा हूं इसको. सेक्शन कैसे रेलेवेंट है हमारे एग्जांपल में. हमारे एग्जाम्पल में ई की बात है ना. सो हम ये ले रहे हैं एज्यूमिंग. अब हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है. एज्यूमिंग मिस्टर ई हैज फुलफिल्ड ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 9 ही बिकम्स a holder in due course and therefore can exercise right provided under section 36. Assuming Mr. E has fulfilled all the conditions of section 9, he becomes a holder in due course and therefore can exercise rights provided under section 36. So section 36 की जो rights हैं वो exercise कर सकता है. ये आपका second. अब conclusion में therefore Mr. E has the right to recover the amount of the instrument of the bill from all the prior parties, that is Mr. D, Mr. C, Mr. B and Mr. A. Obviously Mr. A ने dishonor किया लेकिन आप उसको sue तो कर ही सकते हो. That the right to recover the amount of the bill from all the prior parties, that is Mr. D, C, B and A. अब इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा यहां पर. He becomes holder in due course. Rights provided under section 6. अब यहां पर जो मेन लाइन है ऑल द प्रायर पार्टीज यहां पर आपने डबल अंडरलाइन कर दी. ऑल द प्रायर पार्टीज डी सी बी. ए ने तो दिया ही नहीं है लेकिन आप डी सी बी और एक अगेंस्ट केस तो फाइल कर ही सकते. सो मिस्टर ई हैज अ राइट टू रिकवर द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम ऑल द प्रायर पार्टीज दैट इज मिस्टर डी सी बी एंड ए. सही बात है. चलो एक केस स्टडी और लेकर अपनी प्रेजेंटेशन की क्लास को फिनिश करते हैं. एक डिमांड आई है इंडेमनिटी के ऊपर कोई केस स्टडी लीजिएगा. इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी के ऊपर केस स्टडी लेते हैं दोस्तों. राइट डाउन ये कॉपी करने के बाद लेट्स टेक अ केस स्टडी ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी. आइए फ्रेंड्स लिखिएगा. मैं लिखवा रहा हूं केस स्टडी. दिस इज अ केस स्टडी ऑन कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी. Case study on contract of indemnity. Case study on contract of indemnity. Aye, dosto. Mr. X has entered into contract of
indemnity with Mr. Y. Mr. X has entered into contract indemnity with Mr. Y. Mr. Y suffers a loss of rupees 1 lakh and had to file a court case to recover the amount. The legal expenses on such court case is rupees 10,000. Mr. Y could only recover rupees 60,000 as per court judgment. Court ki judgment ke anusar khali aapko 60,000 rupaye diye jayenge. Referring to provisions of Indian Contract Act 1872, discuss the rights of Mr. Y. So Mr. X has entered into contract of indemnity. Mr. X has entered into contract of indemnity with Mr. Y. Mr. Y suffers a loss of rupees 1 lakh and had to file a court case to recover the amount. The legal expense of such court case is 10,000. Mr. Y could only recover 60,000 as per court judgment. Referring to the provision of Indian Contract 1872, discuss the rights of Mr. Y. Dosto, aapko indemnity yaad hoga, section 124 mein tha, ki aap dusre ke nuksan ki bharpai karne ke liye agreement karte ho. तो यहां पर एक्चुअली में लॉस तो 1 लाख रुपए का ये हुआ है और 10,000 रुपए कोर्ट के जजमेंट के कारण या कोर्ट के केस फाइल करने के कारण हुए हैं. तो टोटल एक्सपेंस हो गया बच्चों 1,10,000, रिकवरी हो गई 60,000 की. तो कितना अमाउंट लॉजिकली आप रिकवर कर सकते हो फ्रॉम मिस्टर एक्स, बताइए दोस्तों. इज एनीबडी गेस कि हाउ मच अमाउंट यू कैन रिकवर फ्रॉम मिस्टर एक्स, हाउ मच अमाउंट यू कैन रिकवर फ्रॉम मिस्टर एक्स. तो आपका लॉस 1 लाख का हुआ था, 10,000 के लीगल एक्सपेंसेस थे, 1,10,000, 60 की रिकवरी हो गई, 40,000. एक सेंटर आंसर कर रहा है 40,000. नहीं जी ना, 40,000 रिकवर नहीं कर सकते. यू कैन रिकवर योर लॉस एज वेल एज लीगल एक्सपेंसेस. जो लॉस हुआ है बच्चों वो तो रिकवर कर ही सकते हो, लेकिन लीगल एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो भी रिकवर कर सकते हो. यू कैन रिकवर टोटल अमाउंट ऑफ 50,000. बिल्कुल सही, 50,000. आंसर का पैटर्न वही होगा. फर्स्ट पार्ट में बताता हूं, डिक्टेट करवा रहा हूं, लिखिए. आई एम डिक्टेटिंग द आंसर एज पर सेक्शन, डिक्टेटिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर एज पर सेक्शन 124, एज पर सेक्शन 124, एज पर सेक्शन 124 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. As per section 124 of Indian Contract Act 1872, a contract of indemnity is a contract by which one party promises to save the other
from loss caused to the other, from loss caused to the other due to conduct of the promisor, due to conduct of the promisor or any third person है ना भैया। 124 में तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात की गई है, और सेक्शन 125 लिखिएगा, एज पर सेक्शन 125 एज पर सेक्शन 125 ऑफ द अबव एक्ट, एज पर सेक्शन 125 ऑफ द अबव एक्ट द इंडेमनीफाइड कौन होता है बच्चों, जिसको आपने इंडेमनीफाई किया है, द इंडेमनीफाइड, या उसको बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर, जिसको आपने प्रॉमिस किया ना भैया तुम्हारे लॉस की भरपाई करूंगा, उसको बोलते हैं इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। द इंडेमनीफाइड ऑब्लिक इंडेमनिटी होल्डर हैज द राइट, यस हैज द राइट टू रिकवर हिज लॉस, हैज द राइट टू रिकवर हिज लॉस एज वेल एज other expenses, yes, as well as other expenses incurred, as well as other expenses incurred in a suit, suit boot पहन के कन्हैया आया बैंड बजाने को, बोला suit नहीं, suit का मतलब है भैया case law, case, in a suit filed by him under the contract of indemnity, in a suit filed by him under a contract of indemnity, in a suit filed by him under a contract of indemnity, haan ji, second part of the answer, in the above case ya in the present question ऐसे लिखोगे सेकंड पार्ट पे, इन द प्रेजेंट केस मिस्टर ई, ई नहीं है क्या था हमारा वाई, इन द प्रेजेंट केस मिस्टर वाई, इन द प्रेजेंट केस मिस्टर वाई इज द इंडेमनिटी होल्डर, मिस्टर वाई इज द इंडेमनिटी होल्डर, मिस्टर वाई is the indemnity holder and therefore has the rights under section 125 of the above act. Mr. Y is the indemnity holder and has the rights under section 125 of the above act. तो लिखिएगा नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ, देयरफॉर मिस्टर वाई हैज द राइट
टू रिकवर द फॉलोइंग. हा, मिस्टर वाई हैज द राइट टू रिकवर द फॉलोइंग फ्रॉम मिस्टर एक्स. मिस्टर वाई हैज द राइट टू रिकवर द फॉलोइंग फ्रॉम मिस्टर एक्स. पॉइंट नंबर वन, अमाउंट ऑफ लॉस. पॉइंट नंबर वन, अमाउंट ऑफ लॉस. 1,00,000 माइनस 40,000 कितना था, कितना रिकवर हो, 60. 1,00,000 माइनस 60,000, 1,00,000 माइनस 60,000 दैट इज 40,000. 1,00,000 माइनस 60,000 दैट इज 40,000. एंड पॉइंट नंबर टू, एंड पॉइंट नंबर टू, लीगल एक्सपेंसेस. पॉइंट नंबर टू इज लीगल एक्सपेंसेस दैट इज अमाउंट 10,000. लीगल एक्सपेंस दैट इज अमाउंट दैट इज 10,000. सो टोटल नीचे करके लिख दीजिएगा, टोटल 60,000, टोटल 50,000, 40 ऊपर लॉस के और 10 लीगल एक्सपेंसेस. सही बात है ना भैया, समझ आई मेरी बात. दोस्तों ये जो मैंने आज आपको टिप्स बताई हैं, इनको आप फॉलो कीजिएगा. शर्त है दोस्तों, आई कैन गिव यू अंडरटेकिंग, इफ यू फॉलो दिस टिप्स, फॉलो माई एडवाइस, आपके 80 नंबर लॉ में स्टार्टिंग होंगे. 80 नंबर मैं ये बोलूंगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होंगे, वो एंडिंग पॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि इजिली स्कोर 80 मार्क्स. छोटी छोटी टिप्स होती हैं, जनरली वी टेंड टू फॉरगेट. आज हम यहां तक ही करेंगे. अगर आपके मन में कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप उसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.